केंद्र में बीजेपी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर सांसद धर्मवीर सिंह ने भिवानी में कार्यकर्ताओं की ली बैठक। पंचायत भवन में कार्यकर्ताओं को सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा, मोदी सरकार ने विदेशों में भी साख को मजबूत किया है, आयुष्मान योजनाओं सहित अन्य योजनाओं से भी रूबरू करवाया गया। सांसद धर्मवीर सिंह ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 9 साल के पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी ने हर लोकसभा क्षेत्र में ये महासंपर्क अभियान चालू किया है और अलग अलग तारीखों में सारे देश के अंदर आम आदमी से लेकर बुद्धिजीवियों तक, आपसरी में टिफिन पार्टी तक, ये सारी की सारी योजनाएं एक लिखित में भेज रखी है। आपने पहले का भारत भी देखा है, 9 साल पहले का, 1947 से लेकर 2014 तक का, और 2014 से आज तक का आपको खुद को नजर आ जाएगा कि पहला भारत कैसे था, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो, कनेक्टिविटी के मामले में हो, फूड के मामले में हो, पानी के मामले में हो। आपको ध्यान है जब हम कभी दिल्ली से आते थे तो खरक कर उड़ान आया बस तो वो पट्टी भी मिट जाया करती थी हमें किसी रोड, और अब अगर आप देखोगे तो ये अब जहाँ केवल दिल्ली की कनेक्टिविटी नहीं, यहाँ से जाओगे तो हंसीवाड़ा भी काम चल रहा है नेशनल हाईवे का, यहाँ से जींदवाड़ा भी पूरा हो गया, लोहारू वाला भी चल रहा है, 3 बाईपास लोहारू जाते वक्त जगावा जुई लुहानी उनकी रिपोर्ट भी आ ली, वहाँ भी बाईपास बनेंगे, भिवानी का पश्चिम का बाईपास की भी DPR तैयार होगी। यानी एक ऐसा रूप बदला है और हर सेक्टर में गरीब से गरीब आदमी को भी 80 करोड़ आदमियों को फ्री में अनाज देना दुनिया के किसी देश के इतिहास में नहीं मिलेगा। यानी इसी प्रकार हेल्थ का देखोगे तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाना, ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाना, जन्म तो एम्स पार्ट 2 और आ गया, कैंसर का तो पहले आया रहा था कि रिवाड़ी में बहुत जल्दी नींव रखेंगे अभी। यानी केवल एक काम नहीं किया है, सारा पुराना सिस्टम, जैसे बहुत बड़ी शिकायत रहती थी पीने के पानी की, सभी जगह लोहे के पाइप के लंबे ऑर्डर कर दिए और ये सारे देश में के हर घर में नल में शुद्ध पानी कैसे दिया जा सकता है, ये सारी बातें। अब आयुष्मान कार्ड को देखो, आप चिरायु कार्ड को देखो, ठीक है कि वो पूरे नहीं बढ़ पाए हैं क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन 5 लाख तक की गरीब आदमी को मदद देना एक बहुत बड़ी बात है। या तो सरकारी हॉस्पिटल में मिलेगा या पैनल पर जो हॉस्पिटल में उनको पैसा मिलेगा, एक ऐसी शुरुआत कर दी कि धीरे धीरे हम भी 2047 तक ये देश विकसित देश की श्रेणी में कैसे आ सकता है, ये सोच केवल माननीय प्रधानमंत्री जी की है, जिसकी तर्ज पर हम आगे संविधान जिस प्रकार से बना था, केवल हम संविधान के ऊपर चलेंगे तभी ये बात बनेगी। तो इस बार लोकसभा की जो चुनाव के अंदर कितनी सीटों के ऊपर जीत मान रहे हैं? 10 लोकसभा की सीट है, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 जीतती थी और जब रिजल्ट आएगा तो तब देख लेना, 10 की 10 लोकसभा की सीट। मैं तो मानता हूँ बहुत सी जगह तो मार्जिन भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री से 5 घंटे तक जो मीटिंग हुई है, क्या विशेष लोकसभा? तो रात को जो मीटिंग थी उसमें तो यही था कि हमने प्रदेश के विकास के लिए और क्या करना है, कहीं कोई अड़चने हैं तो उनको दूर कैसे किया जा सकता है, वो अपनी अपनी राय हमने बिल्कुल रात के 4-5 घंटे बैठ के सभी जो हमारे सांसद भाई थे या मंत्री थे सांसदों में से उन्होंने दी है। दादरी में बड़ी रैली होने जा रही है, तो उसको क्या उद्देश्य रहेगा? उनको देश की सभी लोकसभा के अंदर एक एक रैली प्रस्तावित है, 18 को सिरसा में है, 19 को हमारी दादरी में है, तो उसके लिए पार्टी ने व्यवस्था ठीक कर रखी है सारी।